बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज मैं बना रही हूँ टर्किश वे में कोफ्ते। टर्किश पीपल बहुत ही सिंपल फूड खाते हैं और हमें चूँकि स्पाइसी पसंद होता है इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें स्पाइसेस ऐड किया है। यूजुअली टर्किश फूड जो होता है वो ब्लेंड होता है ग्रीक, रशियन, आर्मेनियन, अरबिक, पर्शियन और इंडियन फूड का, तो ईजी वे में मंगा सकते हैं और इसको खाना भी बहुत आसान होता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर के साथ एक बड़े साइज़ का अनियन लिया है और उसमें 3-4 लहसुन डाल दें आप लहसुन की जगह, और 3-4 ही आप इसमें डाल दें ग्रीन चिलीज। सबसे पहले मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। देखिए ये थोड़ा सा ब्लेंड हो गया है, तो अब इसमें मिलाऊँगी 2 मैंने लिए हैं टोस्ट। ये मेरे पास ब्राउन ब्रेड है, आपके पास जो सा भी हो वो डाल लीजिए। अब इसको दोबारा से एक बार और ब्लेंड कर लीजिए। अब इसमें मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूंगी। यहाँ पर मैं डाली हूँ 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून या सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर, और 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून कर लें आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट काली मिर्चों का पाउडर। और यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम्स ऑफ मिन्स मटन, कोई सा भी कीमा ले सकते हैं, गाय का, बकरे का, चिकन का, जो दिल चाहे, लेकिन कोशिश करें इसके थोड़ा सा फैट हो। इसमें थोड़ा कम फैट है इसलिए मैं आगे ऑलिव ऑयल वगैरह भी यूज़ कर लूँगी इसके अंदर। अच्छी तरह इसको ब्लेंड कर लें, बिल्कुल पक्का सा ब्लेंड कर लें जैसे ये हो गया ना, ताकि जैसे कोफ्ते बनाते वक्त हम इसको ब्लेंड करते हैं। अब इसे आप कवर करके फ्रिज में रख देंगे 1-2 घंटे, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला था जिसको प्रोसेस होने में टाइम लगता है। 1-2 घंटे बाद मैं हाथ में थोड़ा सा पानी लगाएं और पहले छोटा सा एक बॉल लें। बॉल को आप अच्छी तरह थोड़ा सा दबा दुबो के ना, इसको गोल गोल कोफ्ते नहीं बनाते, इसको पहले हम दबा के ताकि अंदर तक ये पक सके, जैसे चपली कबाब स्टाइल नहीं होता वैसा, ठीक है। तो चलिए ये बना लिए। अब मैं यहाँ पर कास्ट आयरन में डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, क्योंकि मेरा लीन ग्राउंड मीट था तो मैं थोड़ा सा ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास चर्बी वाला हो तो ज़रूरत नहीं होती, वैसे भी बन जाता है। अब जैसे ही ये थोड़ा सा वार्म हो जाए, बल्कि अच्छी तरह गर्म हो जाए, तो इसमें सारे ये जो हमने कोफ्ते बनाए थे ये डाल दें और इनको थोड़ी देर पकाएं एक साइड से। लेकिन हमें इसे उलट पुलट कर पकाना पड़ता है, क्योंकि जो अंदर से पूरा कच्चा होता है ना, तो अच्छी तरह बना लेना ज़रूरी है, पका लेना ज़रूरी है। तो देखें मैं ऊपर नीचे करके आगे पीछे करके इसको पलट पुलट के पूरा पका लूँगी। टर्किश फूड वैसे बहुत प्लेन होता है, लेकिन हम इंडियन पाकिस्तानी लोग ऐसे इतना प्लेन नहीं खाते, इसलिए मैंने इसमें हरी मिर्चें वगैरह ऐड की हैं। आगे भी इसमें आप चाहें तो सॉस वगैरह इसके साथ खा सकते हैं, इसको ब्रेड के साथ खाएं या बन के साथ, बहुत ही मज़ेदार होता है। इतना सिंपल सा इसका फ्लेवरफुल सा टेस्ट आता है। अच्छा, उसी पैन में जब मैंने सारे कोफ्ते निकाल लिए, तो उसी पैन में मैंने ना थोड़ा सा लच्छेदार प्याज जो होता है वो काट कर डाला है, थोड़ी सी हरी मिर्चें काट कर डालूंगी, क्योंकि हमें तो हर चीज़ के साथ ये सब कुछ चाहिए ही होता है। तो ये डाल लें और इसको उसी पैन में थोड़ा सा घुमा फिरा लें, क्योंकि अगर जो उसके अंदर थोड़ा सा सॉस रह गया हो कोफ्तों का, वो हमें छोड़ना नहीं है, हमें फेंकना नहीं है, हम इस प्याज के थ्रू उसको भी ले लेंगे। तो चले अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल रही हूँ, सारे कोफ्तों को मैंने रख दिया। ऊपर से मैं इस पर डालूँगी जो अभी अभी हमने अनियन फ्राई नहीं किए थे वो सब डालें। अच्छा, अनियन को बहुत देर तक फ्राई नहीं करना, उसको जलाना, ब्लैक कलर का नहीं करना, बल्कि हल्का सा सॉटे करना है, ठीक है, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। और इसी तरह हरी मिर्चों को भी, ताकि ये बिल्कुल जल वल सा ना जाए, वरना तो शेप ही और कलर ही ख़राब हो जाएगा हमारे इस डिश का। तो चलें ऊपर से इसको सजाएं बनाएं। इसके साथ बहुत मज़े का लगता है ये जो पिकल्स नहीं होते, क्यूकम्बर पिकल्स और ये जो हरी मिर्चें वगैरह, जो भी दिल चाहे खाएं, इसको रोटी के साथ खाएं, ज़्यादातर रोटियों के साथ या पीटा ब्रेड के साथ बहुत मज़े का लगता है। क्या आपको पता है कि टर्की की एक बहुत मशहूर डिश है, उसका नाम है डोनेर। वो अमेरिका में जायरो के नाम से और सारे अरब कंट्रीज़ में शवरमा के नाम से बेची जाती है।